आज हम संस्कृत का द्वितीय पाठ स्वर्ण काकव के प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो पहला है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर दीजिए। माता काम आदेशत, माता ने किसको आदेश दिया? पुत्री अर्थात पुत्री को। अगला है, स्वर्ण काकव का न खादत, सोने का कौवा किन्हें खा गया? तंडुलान चावलों को। तो हम यहाँ लिखेंगे तंडुलान। प्रासाद की दृश्य वर्तते, महल कैसा है? स्वर्णमय अर्थात सोने का। गृह मागत्य तया का समुद्र घाटिता, घर आकर उसने क्या खोली? मंजुषा अर्थात पेटी। लोभाविष्टा बालिका की दृश्य मंजुषा नयती, लोभी लड़की कैसी मंजुषा को ले जाती है? वृहत्माम अर्थात सबसे बड़ी को। अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत। अब हमें पूर्ण वाक्य में संस्कृत में लिखने हैं। निधनाय वृद्धाय दुहिता कीदृशी आसीत्, निधन वृद्धा की पुत्री कैसी थी? तो निधनाय वृद्धाय दुहिता, यहाँ तक तो प्रश्न में से आ जाएगा, विनम्रा मनोहरा चासित। अगला है, बालिका पूर्व कीदृश काकः न दृष्ट आसीत, बालिका के द्वारा पहले कैसा कौवा नहीं देखा गया था? तो यहाँ बालिका पूर्व बालिका के द्वारा पहले स्वर्ण पक्षो रजत चंचु, सोने का कौवा, स्वर्ण पक्षो रजत चंचु। बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकित जाता, बालिका क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गई? बालिकाया वृक्षोस्परि गलत हो गया, हसितुम रोदितुम। अगला है, अध ऊपरी, फिर है श्वेत, श्वेत का अर्थ होता है सफेद और कृष्ण का अर्थ है काला। सूर्यास्त सूर्योदय, सूर्योदय। सुप्त प्रबुद्ध, अगले में हमें संधि करनी है। संधि कुरुत, नी प्लस अपसत न्यवसत। सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। वृक्षस्य प्लस ऊपरी वृक्षस्य ऊपरी। ही प्लस कार्यत हाकार्यत। च प्लस एकाकिनी चेकाकिनी चेकाकिनी। इति प्लस उक्त्वा इति उक्त्वा।
प्रति प्लस अवदत, प्रति अवदत। प्र प्लस उक्तम, प्रोक्तम। अत्र प्लस एव, अत्रेव। तत्र प्लस उपस्थिता, तत्रोपस्थिता। यथा प्लस इच्छम, यथेच्छम। अगला है स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माण कुरुतः। मोटे छपे शब्दों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला है ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, गांव में निर्धन स्त्री रहती थी। तो गांव में कौन रहता था? तो ग्रामे का अवसत, तो निर्धना स्त्री की जगह हम लिख देंगे का, ग्रामे का अवसत। अगला है स्वर्ण काकम निवारयंती बालिका प्रार्थयत, सुनहले कौए को रोकती हुई बालिका ने प्रार्थना की। तो इसका है किसी किसे रोकती हुई बालिका ने प्रार्थना की, तो यहाँ हो जाएगा कम, कम निवारयंती बालिका प्रार्थयत। अगला है सूर्योदयात पूर्व में बालिका तत्रोपस्थिता, सूर्योदय से पूर्व ही बालिका वहां उपस्थित हो गई। किससे पहले ही बालिका वहां उपस्थित हो गई? तो कस्मात। अगला है बालिका निर्धन मातु दुहिता आसित, बालिका गरीब माता की पुत्री थी। तो बालिका किसकी पुत्री थी? बालिका कस्या, कस्या। अगला है लुब्धा वृद्धा स्वर्णकाकस्य रहस्य विज्ञातवती, लोभा वृद्धा सुनहले कौए के रहस्य को जान गई। लोभी वृद्धा किसके रहस्य को जान गई? कस्य, यहाँ आएगा कस्य। अगला है प्रकृति प्रत्यय संयोग कुरुत, प्रकृति प्रत्यय का संयोग कीजिए। वी प्लस लोक प्लस ल्यप, विलोक्य, यहाँ हो जाएगा विलोक्य। अगला है नी प्लस क्षिप प्लस ल्यम, निक्षिप्य। अगला है आ प्लस गम प्लस ल्यप, आगम्य या आगत्य। आगम्य या आगत्व, आप चाहें तो आगम्य भी लिख सकते हैं और आगत्व भी लिख सकते हैं। अगला है दृश प्लस कृत्वा, दृष्ट्वा। अगला है शी प्लस क्त्वा, शयित्वा। अगला है लघु प्लस तमप, लघुत्मम, इसका हो जाएगा लघुत्मम। अगला है प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुतो, जैसे हमने इसको इसमें बनाया था वैसे ही यहाँ पर उल्टा दे दिया है, रोदितुम, तो इसका हो जाएगा
रुद्र प्लस तुमुन। रुद्र प्लस तुमुन। अगला है दृष्टवा, दृश प्लस त्वा। दृश प्लस कत्वा। अगला है विलोक्य, वी प्लस लोक प्लस लेप। अगला है निक्षिप्य, नी प्लस क्षिप प्लस लेप। अगला है आगत्य, आ प्लस गम प्लस लेप। अगला है शैत्वा, अगला है शैत्वा, शो प्लस ही प्लस कत्वा। अगला है लघुत्तम, लघु प्लस तमप। अधोलिखितानि कथनानि कामं कामच कथयति। निम्नलिखित कथनों को कौन किससे कहता है? पहला है पूर्व प्रातराशः क्रियाताम, तो ये बात कही है सुनहरे कौए ने बालिका से, तो स्वर्ण काकव बालिकाम। अगला है सूर्य तपे तंडुलान खेगेभ्य रक्षः, तो ये बात कही है निर्धना वृद्धा ने पुत्री अर्थात पुत्री से। अगला है अहम तंडुलान माँ भक्षय, तो ये बात कही है निर्धना बालिका ने स्वर्ण काकम से, सुनहले कौए से। अगला है अहम तुभ्यम तंडुमूल्यम दास्यामि, तो ये बात कही है स्वर्ण काकह ने निर्धना बालिकाओं से या निर्धन बालिका से। अगला है भो नीच काकः अहम आगत महातंडुमूल्यं प्रयच्छ, तो ये बात कही है गर्विता बालिका ने स्वर्ण काकम से। उदाहरण मनुष्यति कोष्ठकगेतेषु पदेषु पंच विभक्ति प्रयोग कृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। उदाहरणानुसार कोष्टक में दिए गए पदों में पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जनह डैश वही आगच्छत, तो यहाँ आ जाएगा ग्रामात। अगला है न्यदह डैश निदस्रंती, ब्रैकेट में दे रखा है पर्वत, तो यहाँ आ जाएगा पर्वतेभ्य। डैश पत्राणि पतंती, तो यहाँ आ जाएगा वृक्ष दे रखा है, तो यहाँ आ जाएगा वृक्षार्थ। अगला है बालकः डैश विभीति सिंह, तो यहाँ आ जाएगा सिंहात्, सिंहात्।
ईश्वरः डैश त्रायते, तो यहाँ आ जाएगा क्लेशात्। अगला है प्रभुः भक्तम निवारयन्ति, पाप है तो यहाँ आ जाएगा पापात्। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत धन्यवाद।